हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ फ़ोन पे के ऊपर। हमें अपने फ़ोन पे का जो पिन होता है वो कैसे चेंज करना है। दोस्तों, कुछ लोगों को ना पता नहीं रहता है कि कैसे पिन चेंज करना है। किसी दूसरे से अगर हमने जैसे पिन जनरेट करवा लिया अपना, ओके, और उसने अपने हिसाब से बढ़ा के दे दिया हमारा पिन, बट हम उस पिन को ज़्यादा दिन तक याद नहीं कर पा रहे या उसको ध्यान से नहीं रख पा रहे, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं मतलब इच्छुक होती है कि यार हम अपना पिन चेंज कर ले। अब कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं फ़ोन पे के पिन में। वो क्या करते हैं कि अपने जो हमारा जो मोबाइल नंबर होता है ना, उस मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग ही अपना पिन बना लेते हैं। दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। कोई होता क्या है ना, अगर बाई चांस सोच कर देखो, बाई चांस अगर हमारा फ़ोन कहीं गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या फिर हमारी जेब से कहीं ना कहीं निकल जाता है। दोस्तों, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कहीं ना कहीं निकल जाता है, ओके, अगर वो फ़ोन किसी के हाथ में लग गया तो दोस्तों सबसे पहला ये आदमी क्या काम करेगा, आपके फ़ोन पे और आपके अकाउंट को ही चेक करेगा। और वो कोई अपना दिमाग नहीं लड़ाएगा दोस्तों, वो जो तुम्हारा मोबाइल नंबर है किसी नंबर पर कॉल करके मिस कॉल मार कर देखेगा भाई इस बंदे का नंबर क्या है। वो कहीं ना कहीं वो 4 अंक का पिन होता है दोस्तों, 4 अंक का, 6 अंक का पिन होता है दोस्तों, तो वो क्या करेगा आपके फर्स्ट के 4 या 6 अंक जो भी पिन आपने डाल रखे, ओके, उसको लगा कर देखेगा या फिर लास्ट का लगा कर देखेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ से बिल्कुल मतलब दूर रहना। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आपने गलती कर रखी है तो आप अपना पिन हैंड टू हैंड चेंज कर लें, ओके दोस्तों। तो अपने मोबाइल नंबर का कभी भी पिन नहीं बनाना है आपको, किसी भी अकाउंट में एडिटिंग में कहीं भी नहीं डालना है, वरना आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इसी पर्पज़ पे बना रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन पे का जो पिन है उसको चेंज कर सके। दोस्तों, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले तो हमें अपना फ़ोन ओपन कर लेना है। फ़ोन ओपन करने के बाद में देखो, मैंने अपना फ़ोन ओपन कर लिया है यहाँ पे। फ़ोन ओपन करने के बाद में हमें अपना ओपन करना है फ़ोन पे, ओके दोस्तों। वीडियो को दोस्तों अच्छे से देखना, पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ दोगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो मेरा फ़ोन पे आ गया दोस्तों। देखो, मैं फ़ोन पे पर यहाँ पर अपना क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फ़ोन पे यहाँ पर ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ पर चेंज करना है अपना फ़ोन पे का पिन, ओके दोस्तों। आप देखो, ऊपर देख रहे होंगे ये इंटरफेस के अंदर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ऐड एड्रेस, ओके। ऐड एड्रेस के ही लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा मेरा लोगो, ओके दोस्तों, जहाँ पर हम अपना फ़ोटो वगैरह ऐड करते हैं। तो हमें ना अपने इस लोगो के ऊपर ही क्लिक करना है। मैंने लोगो के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया, ओके। लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों, ऐसा एक इंटरफेस खुल कर आएगा। अब मेरे को इंटरफेस को थोड़ा ऊपर लेके जाना है, ओके। यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह सब चेंज करने का दे रखा है। ये यहाँ पर आया है चेंज पासवर्ड, ओके। नीचे से चौथे नंबर पर देखो चेंज पासवर्ड, तो हमें ना चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। मैंने चेंज पासवर्ड पर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है दोस्तों, इंटर यूआर ओल्ड पासवर्ड। अब ये कह रहा है कि जो आपने ऑलरेडी पासवर्ड बना रखा है वो यहाँ पर डालिए, जो कि आपका पुराना पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया, ओके। पासवर्ड डालने के बाद में नीचे आप ऊपर वाइट कलर से लिखा हुआ रहा है प्रोसेसड, तो मैं यहाँ पर अपने प्रोसेसड पर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ओके, यहाँ पर कर दिया। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्या, सेट ए न्यू 4 डिजिट पासवर्ड, यानी कि अभी ये बोल रहा है कि अब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कीजिए, यानी कि जो आपको अपना नया पासवर्ड बनाना 4 अंक का वो यहाँ पर डालिए, ओके। ये देखिए, मैंने अपना न्यू पासवर्ड जो मैं बना रहा हूँ मैंने वो यहाँ पर टाइप कर दिया है, ओके। इसके बाद में फिर हमें क्या करना है, आप कन्फर्म पर जाना है। कन्फर्म पर हम लोगों को क्लिक करना है। कन्फर्म पर मैंने क्लिक किया, ओके। दोबारा फिर ये कह रहा है कि नीडेड, एक बार और कन्फर्म करिए कि आपका आपने पासवर्ड सही डाला कि नहीं डाला, ओके। तो कन्फर्म पर मैंने दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके दोस्तों। अब ये कह रहा है यहाँ पे प्रोसेसड टू लॉगिन, कि आपने जो अपना यहाँ पर पिन बनाया, जो आपने अपना पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ से ऑन करके देखिए उससे कि आपका वो बना भी है कि नहीं बना है, ओके दोस्तों। मैं यहाँ पर प्रोसेसड टू लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, ओके। और यहाँ पे अपने वो 4 डिजिटल डालता हूँ जिस यहाँ पर लॉगिन, ये मैंने अपना पिन डाल दिया है और लॉगिन पर मेरे को क्लिक करना है। लॉगिन पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है।
देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर पासवर्ड का जो पिन है वो यहाँ पर चेंज हो गया है बिल्कुल। ओके, आपको भी इसी तरीके से अपना पिन चेंज करना है। और दोस्तों ध्यान रखना कि आपको अपना पिन कभी किसी के सामने शेयर नहीं करना है, अपना पिन अपना गुप्त रखना है और अपने तक ही सीमित रखना है। इसी तरीके से आपको अपना पिन ये चेंज करना है। गाइस, मैंने आपको सारा कम्प्लीटली समझा दिया अच्छी तरीके से कि आपको अपने फ़ोन पे का पिन पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो आपको इसी तरीके से अपना फ़ोन पे पासवर्ड चेंज करना है। अगर आपकी समझ में अभी भी नहीं कुछ आया था, मेरी वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आप अपना OTP या ये अपना पिन बनाओगे या अपना पासवर्ड इसको बनाओगे, तो ये कभी किसी के सामने शेयर नहीं करना, इसको गुप्त रखना, अपने तक सीमित रखना, कभी दूसरे को नहीं बताना है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार।